नवाज शरीफ 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दुबई से चीन और कतर जाने का इम्कान। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुँचेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले 4 बजे मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जानब से तैयारियाँ जोर पकड़ने लगीं। 10,000 शर्ट्स तैयार करवाई गई। शर्ट्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर प्रिंट करवाई गई। कमिश्नर लाहौर और DGLD अगरात के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने ज़ेरे तामीर अकबर चौक फ्लाई ओवर और खालिद भट्ट चौक अंडरपास के तामीराती कामों का जायजा लिया। अकबर चौक फ्लाई ओवर मनसूबे का 84% काम मुकम्मल हो गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। खालिद भट्ट चौक अंडरपास की 978 में से 837 पाइल्स मुकम्मल। निगरान पंजाब हुकूमत का रवां माली साल में एक और बजट पेश करने का फैसला। रवां माली साल के दौरान बजट के लिए LDA ने मजीद फंड्स मांगने का इरादा कर लिया। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से अक्टूबर 2023 तक का बजट पेश किया गया। बजट में 10 अरब रुपये महंगा प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किया गया। शहर में डेंगू मच्छर का फैलाव थम ना सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 56 नए मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 177 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में डेंगू के 71, गुजरांवाला 17, मुल्तान 16 और फैसलाबाद में 5 नए मरीज। लाहौर के हॉस्पिटल्स में डेंगू के कुल 52 मरीज जेरे इलाज। एक्टी हल्दा कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। चार DIGs के तकरार तबादले का अपने ट्रेड लियाकत अली मलिक DIG CIA लाहौर तैनात। उस्मान अकरम गोंदल को DIG ऑपरेशन सिटी लाहौर लगा दिया गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वजीर अला पंजाब कैप्टन रिटायर्ड अली ज़ियाद CPO फैसलाबाद मुकर्रर।